बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, ईद का दिन है, तो सबसे पहले जाऊँगा ईद की नमाज़ पढ़ने। तो ईद की नमाज़ जो है वो मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो खैर पढ़ते हैं जाकर। अभी जमात हुई नहीं है, तो सबसे पहले उधर जाते हैं और बाकी की बात आकर करते हैं आपसे। तो दोस्तों, हमारा एक जो मैंने कल के व्लॉग में बताया कि वो हम पहले दिन को करेंगे, वो हमने इंतबाह कर दिया है। तो मस्जिद का टाइम भी 7 बजे, पहले 6:30 बजे उन्होंने बताया, अब 7 बजे कह रहे हैं, तो इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने तो कहा मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन नहीं, पूरे टाइम पे जाएंगे हम 7 बजे। ये गाइस आप देख सकते हैं, ये देखें जी पानी, ये कल की बारिश हुई है, तो ये सुबह भी हुई थी, ये रात 2 बजे से शुरू हुई है और तकरीबन सारी रात ही होती रही है। ये देखें, अब जाके फिर वजू करना पड़ेगा, मैं तो घर से करके आया था वैसे। यहाँ इरशाद फरमाया नमाज अदा करो, पहले नमाज फिर पानी। फरमाया इससे पता चला कि पहले क्या करो, पहले नमाज पढ़ो। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने ये नमाज ईद की पढ़ ली है और अब जा रहा हूँ मैं घर, फिर वही रास्ते से। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और मेरी फैमिली की तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ऐसे ही हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हंसते रहें। तो अभी अच्छा खासा मौसम ठीक हो गया, सूरज आप देख सकते हैं मेरे मुँह पर कैसे सूरज अच्छा खासा निकल पड़ा है, और मौसम भी बहुत हसीन हो गया, बिल्कुल साफ मौसम है। और अभी वो जो हमने एक बकरा करना था आज के दिन, वो हो गया, और उसका गोश्त वगैरह भी कर लिया, और अब तकसीम करेंगे उसको,
और कल के दिन फिर दूसरे व्लॉग में जो कल दूसरे दिन आएगा उसमें मैं आपको अपना दिखाऊंगा कि वो हम जो ले गए थे गाय उसको भी ज़िबा करेंगे, वो अगले व्लॉग में आप देखिएगा। और ऐसा ही प्यार देते रहें, मुस्कुराते रहें। ये जी सिर्फ एक रह गया और दूसरा गया अल्लाह के पास, तो अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल करे। और ये देखें, ये होगा मुहर्रम को, ये देखें जी, ये भी मैं ऊपर आया तो ये बोल रहा था, ये बोल इसलिए रहा था कि क्योंकि इसका वो जो पार्टनर था वो तो चला गया अल्लाह के पास, तो इसलिए ये वो बोल रहा था। तो अभी इसको सब्र करना पड़ेगा, सब्र इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी चीज़ बनाई है, सब्र इंसान का अंदर होना चाहिए। ये देखें जी, ये अभी बोल रहा है, ये सुने, इसने अब नॉन स्टॉप बोली जाना है, दो घंटे तकरीबन बोलेगा फिर चुप कर जाएगा, सब्र आ जाएगा ना। तो गाइस आप देख सकते हैं लड़के तो डिलीवरी बॉय बने होते हैं, तो हम डिलीवरी बॉय बन गए हैं। अभी आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में खाल है वो बकरे की, वो देंगे मदरसे में, तो वहीं जा रहे हैं सीधा मदरसे में, क्योंकि उधर बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गली में मदरसा है, तो उधर ही जा रहे हैं। अभी ये आप देख सकते हैं ये दुकान में आए हैं, तो यहाँ से लेंगे नान वगैरह, नान रोटियाँ वगैरह, तो वो घर चाहिए थी तो इधर से ले कर चलते हैं। ये मैं आपको एक ये दिखा देख के कैसा है, ये जैसे ये रोड है, रोड के बिल्कुल साथ ये नान वाली शॉप, उधर से लेंगे और सीधा घर चलेंगे। ले जी फ्रेंड्स, नान भी ले लिए हैं और अब घर जाएंगे और घर जा कर आराम से खा पी के सोएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता आ गया है और अब हम इसे खाएंगे तो आराम करेंगे, और कर भी कह सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। तो अपनी ईद के बारे में बताइएगा कि कैसी गुजर रही है आपकी ईद, हमारी तो बहुत बोर गुजर रही है, बस वीडियो एडिट की है और अब ये बैग पहना है और कहीं निकलेंगे अभी। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मैं आपको दुआ में याद रखाऊँगा। तो बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।